तो फाइनली मैंने ना इसको ये आटा खिला दिया मुर्गी को, ताकि ना ये ठीक हो जाए। अब इंशाल्लाह कल से थोड़ा सा फ़र्क है, इससे बेहतर है कल से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। ये देखें ये चूहे घूम रहे हैं, और ये इधर मैंने इसे ना आटा खिला के यहाँ पर छोड़, ये वाइट बफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ना ये अब काफ़ी ठीक हो गई है, और इंशाल्लाह और भी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और ये देखें देसी मुर्गा इधर घूम रहा है, हम अंदर जाते हैं। बाकियों का भी ये देखें पोलिश, ये असील मुर्गा यहाँ घूम रहा है, ये है असील मुर्गी। इसका चूजा कहाँ गया है? अच्छा वो उधर है उसके साथ ही, वो पहले बाहर चला गया। ये देखें दरवाज़ा मैंने खोल हटा दिया यहाँ से, और अब इनको ना हम बाहर निकाल देते हैं सबको। ये खुद नहीं बाहर निकलते हैं, इनको ना अंदर से बाहर भेजना पड़ता है अंदर जा कर। चलो इनको बाहर निकालते हैं अब। ये देखें ये कोई ऊपर बैठा हुआ आके, कोई खुडे में था। ये देखें इनको बाहर निकाला, अब जा रहे हैं बाहर। ये पहले बाहर नहीं जाते, जब बाहर चले जाएं फिर जल्दी अंदर नहीं आते, अंदर भी लाना पड़ता है, बाहर भी लेकर जाना पड़ता है इनको खुद ही। ये देखें बाहर में ले आया, और ये ब्राउन टेल मादी जो है ये उड़ रही है, कहीं यहाँ कभी यहाँ से यहाँ कभी यहाँ से यहाँ। ये देखें कबूतर ब्राउन टेल जो है वो उस पर गुरक रहा, लेकिन इनका अभी पेड़ नहीं लगा, वो मुझे बात वो परेशान करती है। असल में होते हैं इकट्ठे हैं ये तो ना, वो अंदर लड़ते रहते हैं, कभी उसने उसको मार दिया कभी उसने उसको मार दिया, ये सब खुले ही होते हैं, सब एक साथ हो है। इस वजह से ना सब आपस में लड़ते रहते हैं, उनका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। ये देखें कबूतर तो गुड़कते हैं मादी पर, लेकिन मादी नहीं अभी लगता छोटी है, पता नहीं हो सकता मादी छोटी हो, कबूतरी जिसे कहते हैं। ये देखें सब घूम रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखें ये कबूतर, ये वाला कबूतर जो है वो इस कबूतरी पर गुरक रहा है। ये देखें ये फुल वाइट है, ये वो कल वाली मादी है जो कल मैं नहीं लेके आया, ये उस पर गुरक रहा है। ये और एक वो जिसके पैरों पर भी पा रहा है ना, पाँव पर पा रहा है वो, ये दो मादियाँ कल नहीं लेके आया था, और ये एक पे गुरक रहा है। ये देखें मुझे बाहर आवाज़ आई बहुत ज़्यादा, चूँ चूँ कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जाली के ज़रिए, देखें जाली से टकरे मार रहे हैं कि बाहर निकल जाए। मुझे बाहर आवाज़ आई बहुत ज़्यादा चूँ चूँ के, मैंने कहा चलो इनको पकड़ लेते हैं बाहर, ये लें छोड़ दें इनको बाहर ला के। ये देखें माशाल्लाह ये 100 में से 2 रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं। ये देखें इनका पेड़ लगना चाहिए फ्रेंड्स, अब आप बताएं, आपको बता दें कि वो कबूतरी है या कबूतर ही तो नहीं कहीं वो भी। चलो इनको ना अब मैं लेके जा रहा हूँ अंदर, इनका कोई ना बंदोबस्त करते हैं अब। देखें अंदर भी खुद ही लेके जाने पड़ते हैं, इनके पीछे पड़ना पड़ता फिर आगे आगे चलते हैं, खुद नहीं जाते ना खुद बाहर आते हैं ये। ये देखें चले गए अंदर साहब, ये देखें ये जिनके तो पर पूरे हैं वो उड़ के चले जाते हैं अंदर ऊपर से, बाकी बाहर घूमते रहते हैं। ये देखें इनके पार कटे हुए हैं, ये कबूतर जो है ये उसी कबूतरी पर गुरक रहा है बार बार,
जो हम कल लेके आए हैं, तो इसका भी कुछ करते हैं। ये देखें, ये कबूतर है, ये कबूतर जो गुड़क रहा था इस मादी पे जो कल हम लेके आए, ये कबूतरी, इन दोनों को हम कर देते हैं बंद, इकट्ठा बंद कर देते हैं ताकि ना इनका पेड़ लग जाए। इकट्ठा बंद करेंगे ना तो इनका पेड़ जल्दी लग जाएगा। अब किसका पेड़ लगाना बोला हमने, एक पेड़ ने तो अंडे दिए ना ऊपर मादी ने, कल जो मैंने आपको अंडा दिखाया था, एक ने तो दे दिया। अब ये ब्राउन टेल मादी एक और ये नार है, वो कबूतरी हमने अंदर डाल दिया और ये कबूतर है ब्राउन टेल, ये ब्राउन टेल कबूतर, ये देखें गुड़क रहा है। इन दोनों को यहाँ पर बंद कर देते हैं ताकि इनका भी पेड़ लगे, ये भी हमें अंडे या बच्चे दें, हमारा सेटअप ये बाद हो अंडे देंगे तो। ये देखो इन दोनों को इधर बंद कर दिया, ये पेड़ लगेगा, एक एक ये पेड़ लगेगा, इसको उतारे नीचे, इसको पकड़ता हूँ, इसको नीचे उतारूँ ये। लेकिन फ्रेंड्स इनका नहीं मुझे तीनों का पता ये क्या है, अगर आपको पता तो आप बता दो। एक पेड़ ये है जिसने अंडा दिया कल, एक ये, तीन पेड़ हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन आपने ना इन तीनों का लाजमी बताना है कि ये क्या है, ताकि एक बार ना पता चल जाए, फिर अगर कबूतर होंगे तो हम कबूतरियाँ ले आएंगे, अगर कबूतरियाँ होंगे तो हम कबूतर ले आएंगे। जिस भाई को पता है वो लाजमी से बताइएगा, गाइड मुझे कर दीजिएगा। ये देखें, और अब मैं चूज़ों को पकड़ के लाया हूँ, इनको अंदर बंद कर देता हूँ केज में यहाँ पर, क्योंकि मैं नीचे जा रहा था तो इनको ना चील कवो का डर होता है, वो ना पकड़ ले, छोटे तो हैं ये। अब मैंने दाना में डाल दिया, चूज़ों को भी डाल दिया ऊपर, कबूतरों को भी इधर डाल दिया, अंदर अंदर भी नीचे खुडे में डाल दिया जहाँ कबूतर, ऊपर चूज़ों को डाल दिया। ये देखें, और अब बाजरा हम जो है ना बाहर के परिंदे जो हैं मुर्गियों को डाल देते हैं। ये ले, ये इधर वाइट हैवी बफ को डाल दिए दाने। ये देखें इसने बुला भी लिया, चूजे भी आ गए यहाँ पर, उधर भी डाल दिया देसी मुर्गे को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और मैंने ना आज जो तीन पेयर, एक तो पहले लगा था, दो अब लगा दिए, एक वाइट का और एक रेड टेल का, और आप लाजमी बताइएगा कैसे लगे हैं। इंशाल्लाह अब ये जोड़े पेड़ बन जाएंगे और अंडे देंगे, फिर बच्चे निकालेंगे, हमारा सेटअप आबाद हो जाएगा अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।